नमस्कार, जोहार, प्रणाम। स्वागत है सिमडेगा समाचार के YouTube चैनल में। चलिए दिन की छोटी बड़ी तमाम खबर एक साथ शुरू करते हैं आप सभी के बीच। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पाएं आने वाले हर नोटिफिकेशन मोबाइल में। तो चलिए दोस्तों खबर शुरू करते हैं। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा समाहरणालय स्थित उपायुक्त कक्ष में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से संबंधित समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले में सभी बेरोजगार युवाओं का चिन्हित करते हुए सूची जल्द से जल्द विभाग को सुपुर्द करें ताकि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें रोजगार हेतु चीज़ें मुहैया कराई जा सके। उपायुक्त ने कहा जिले के युवाओं को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाभकारी होगी और इसके लिए श्रम नियोजन विभाग की ओर से यह कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। सिमडेगा के बानाबीरा गांव के बबलू कुमार नामक युवक महाराष्ट्र में काम करने के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद इसकी जानकारी मजदूर नेता राजेश कुमार को हुई, जिसके पहल पर उपायुक्त को सूचना दी गई। उपायुक्त द्वारा SDO महेंद्र कुमार को निर्देशित करते हुए उसके शव लाने हेतु पहल करने की बात कही, जिसके बाद प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से उसका 80,000 रुपये की लागत में शव को गाँव लाया गया, जहाँ पर पारिवारिक लाभ दिलाने के लिए उपायुक्त ने विभाग को निर्देशित किया है। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा सिमडेगा के पर्यटन स्थल केलाघाग डैम में मत्स्य पालन हेतु क्रेज कल्चर निर्माण से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। मौके पर उन्होंने वहां पर पहुंच के वहां की स्थलीय जांच करते हुए कहा गांव में मत्स्य पालन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कि गाँव के मछुआरों को लाभ मिलेगा और मछली पालन के क्षेत्र में सिमडेगा जिला का संपूर्ण विकास होगा। इसके अलावा उन्होंने पाकडांड प्रखंड अंतर्गत जलाशय का भी निरीक्षण करते हुए वहां की स्थिति से जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि एक महीना से पीने की पानी की कमी है, जिस पर उपायुक्त ने जल्द से जल्द इस पर भी पहल करने की बात कही एवं यहां पर भी क्रेज कल्चर योजना के तहत मछली पालन को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि गाँव के लोगों का सामूहिक रूप से समिति बनाकर इस कार्य को करवाया जाएगा और जो भी इस पर कमाई होगी उसे गांव के लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा जिला प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग होगा ग्रामीणों को दी जाएगी, जिससे कि आने वाले दिनों में ग्रामीणों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो और इसके लिए उन्हें सभी प्रकार की प्रशासनिक मदद देने के लिए विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है और इसका लाभ लोगों को जरूर मिलेगा। सिमडेगा के उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा सदर प्रखंड अंतर्गत बिरनी बेड़ा के गांव के ग्रामीणों के साथ जमीन में बैठकर समीक्षा की। मौके पर उन्होंने ग्रामीणों से बिजली, पानी, सड़क सहित कई चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी हासिल किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांव में अधिक से अधिक विकास किस प्रकार से पहुँचे इसको लेकर सही प्रकार की तैयारी करने का भी निर्देश दिया है। ठेठी टांगर थाना क्षेत्र अंतर्गत टुकुपानी के गुड़गुड़ टोली में भारी बारिश के कारण छत गिरने से गांव के संजय इंदवार की पुत्री खुशबू कुमारी एवं मनोज इंदवार घायल हो गए। तत्काल उसे आनन फानन में सदर अस्पताल सिमडेगा लाया, जहां पर दोनों की इलाज चल रही है। बताया गया कि खुशबू कुमारी के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसका डॉक्टरों के द्वारा इलाज कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने बताया कि कच्चा मकान होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। साथ ही अभी वह खतरे से बाहर हैं। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र अंतर्गत किलसेरा बरघाट गांव की 46 वर्षीय कर्मिला नामक एक महिला को सर्पदंश से गंभीर अवस्था में सदर अस्पताल सिमडेगा लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि महिला बकरी बांधी थी, जहां पर साफ सफाई कर रही थी और इसी बीच जहरीले सांप ने डसा और उसकी हालत बिगड़ी। बाद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलबा ले गए, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर पर सदर अस्पताल लाया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिमडेगा के फुटपाथ दुकानदार में होलसेल सब्जी विक्रेताओं ने सिमडेगा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन सौंपते हुए अस्थायी दुकान की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा बारिश के कारण बेघर कर देने से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अन्य दुकानदारों की तरह हमें भी दुकान आवंटित की जाए, जिससे कि परिवार का गुजारा चल सके। सिमडेगा जिले में कोरोना टीकाकरण की अगर हम बात करें तो जिले में अब तक 130,500 लगभग लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। DDC अरुण वाल्टर सांगा ने बताया है कि जिले में सभी जगहों पर कैंप एवं मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण का कार्य चल रहा है,
जिससे कि लोग अधिक से अधिक जागरूक होकर पहुंच रहे हैं और टीकाकरण केंद्र में भी भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं सिमडेगा जिले में कोरोना मरीजों की बात करें तो जिले में आज 7 मरीज पाए गए हैं जबकि 9 व्यक्ति ठीक हो गए। इस तरह सिमडेगा जिले में अब मात्र 97 मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज कोविड केयर अस्पताल एवं होम आइसोलेशन में चल रहा है और जल्द से जल्द जिला प्रशासन के सफल मॉनिटरिंग में वे भी स्वस्थ होकर कोरोना मुक्त सिमडेगा बनाएंगे। सिमडेगा के बानो महबुआंग थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजार में सार्जेंट मेजर रवि कुमार के द्वारा कोरोना जागरूकता गीत के तहत लोगों को गीत गाकर जागरूकता फैलाई। मौके पर महबुआंग थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें पुष्प गुच्छ एवं साल उड़ाकर सम्मानित किया। मौके पर सार्जेंट मेजर के द्वारा गीत गाते हुए लोगों को कोरोना महामारी से बचने एवं टीकाकरण के लिए जागरूक किया। सिमडेगा SP डॉक्टर शम्स तबरेज ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाएं और साथ ही सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन को सख्ती से पालन करें। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर जेल भेजने का भी मामला किया जा सकता है। उन्होंने सभी को नियम सख्ती से पालन करने की बात कही है। सिमडेगा में फुटपाथ दुकान को बुलडोजर लगाकर नगर परिषद के द्वारा तोड़ने के बाद नगर परिषद के झुग्गी झोपड़ी वाले बेघर हो गए हैं। वहीं वार्ड पार्षद निशा देवी के पहल पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन सौंप कर दुकान की मांग किए हैं। सिमडेगा में कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी की जन्मदिन के मौके पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में खिचड़ी का वितरण किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष अनूप केसरी, युवा के जिला अध्यक्ष विशाल तिर्की सहित कांग्रेस के सभी तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के इस जन्मदिन के मौके को यादगार बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है जिसमें काफ़ी संख्या में लोग पहुंचकर खिचड़ी का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। सिमडेगा SDO महेंद्र कुमार के द्वारा कुरडेग अंचल कार्यालय पहुंचकर सभी पंजी एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी ली। साथ ही वहां के रोकड़ सहित सभी चीज़ों की जानकारी लेते हुए कहा, अंचल से संबंधित भूमि के मामले को जल्द से जल्द निपटाएं एवं किसी भी प्रकार के रजिस्ट्री एवं भूमि से संबंधित कोई भी कार्य होते हैं उसे जल्द से जल्द पूरा करें जिससे कि लोगों को लाभ दिलाया जा सके। वहीं उन्होंने इसके बाद कुरडेग के सीरम टोली गांव पहुंचकर कोरोना से मृत के आश्रित परिवार से मुलाकात करते हुए उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाने के लिए समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही SDO महेंद्र कुमार ने कहा, जिले में जितने भी कोरोना से मृत के आश्रितों को सरकारी लाभ के तहत जरूर से जरूर जोड़ा जाएगा। सिमडेगा के राज्यसभा सांसद समीर उरांव के प्रतिनिधि उपेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा सायपुर गांव में 160 लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन दिलाई गई। सर्वप्रथम उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जिसके बाद सायपुर आंगनबाड़ी केंद्र में लोग पहुंचकर वैक्सीन लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि सिमडेगा जिले को 100% वैक्सीनेशन वाला जिला बनाने के लिए यह कदम उठाया जाए और अधिक से अधिक लोग वहाँ पहुँचकर वैक्सीन लेते हुए दिखाई दिए। सिमडेगा उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा सदर अस्पताल में देर शाम पहुंचकर औचक निरीक्षण किया जहां पर उन्होंने मरीजों की स्थिति, साफ सफाई, कोविड वार्ड एवं ICU कक्ष, महिला वार्ड, पुरुष वार्ड सहित सभी चीज़ों को बारीकी से जानकारी ली। साथ ही उपायुक्त ने कहा, मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, संबंधित पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी प्रकार की सेवा उपलब्ध हो। मौके पर सिविल सर्जन, DS एवं सिमडेगा एवं कोलेबिरा विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसी के साथ धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। उम्मीद करता हूँ खबर आपको पसंद आए और जो नए हैं वो चैनल में एक बार सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें।